सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों और अपने बर्ड्स का। तो भाई आप देख रहे हो गए ये दो पानी पीने वाले बर्ड्स के, पानी पीने वाला बर्तन है जो कि मिट्टी के हैं। ये दो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आपको ये दिख रहा है का एक इसमें क्या कंडीशन है इसकी, कैसा ख़राब हो रहा है गाइस। ये पूरा बर्तन हो रहा है जो कि पूरा काई हो रहा है इसके अंदर, और इसका चारों तरफ से आपको दिख ही रहा होगा पूरा ख़राब हो रहा है, और इसको टच करते ही पूरी मिट्टी निकली आती है, और ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी बढ़िया। इसका रीज़न है इन दोनों का गाइस, इसको मेरे को धूप में सुखाना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी कंडीशन आपने अक्सर देखा होगा जो कि जो ये बर्तन होते हैं इसमें हमेशा पानी रखा होता है बर्ड्स के लिए, और जिसके कारण ये ख़राब भी हो जाता है गाइस। आज बस इसी टॉपिक पे बात करूँगा, और इसको सेव कैसे रखना है जो कि ऐसा ना हो ये बर्तन ऐसे ही रहे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए गाइस, ताकि मैं ऐसे आपके लिए इंफॉर्मेशन लेते आऊँ ऐसी वीडियो। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो गाइस जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा बर्तन ये काफ़ी पुराना हो गया है। ये बर्तन हमारे पास बहुत साल चल सकते हैं अगर हम इसे सेव करके रखे तो। इसके दो ही रीज़न होते हैं ख़राब होने के, आपने देखा होगा कि ये बर्तन कितना बढ़िया है और ये बर्तन कैसा हो गया, जबकि दोनों बर्तन एक टाइम पे मैं लाया था गाइस, और यूज़ इसको मैंने ज़्यादा करा है जबकि, और इसको मैंने कम करा है। ये बर्तन इसलिए ख़राब हो गया है क्योंकि इसमें 24 घंटे पानी रखा रहता है, 24 घंटे पानी रखा होने पे ये बर्तन हो जाता है ख़राब। जब आप अपने बर्ड्स को पानी जब चेंज करते हो सुबह तो इसको सनलाइट लगानी चाहिए गाइस डेली, 10 मिनट 5 मिनट सनलाइट लगानी चाहिए ताकि ये सूख जाएगा इस। अगर ये सूखेगा नहीं सनलाइट में तो ये बर्तन भी ऐसा हो जाएगा क्योंकि 24 घंटे आप इसमें पानी पड़ा रहेगा और मिट्टी कच्ची हो जाती है पानी पड़े रहने से, जिसके कारण ये टूटने लगती है। आपको ये करना है जब भी आप इनका पानी चेंज करते हो गाइस बर्ड्स का सुबह मॉर्निंग में, तो 5-10 मिनट के लिए धूप लगानी चाहिए ताकि ये बर्तन ऐसा ख़राब ना होए और ऐसी काई भी ना जमे। काला काला दिख रहा होगा ये 24 घंटे पड़े रहने से काई जम जाती है गाइस, अगर आप इसको डेली धूप लगाओगे धोने के बाद तो काई नहीं जमेगी, प्लस में ये कच्चा नहीं होगा और हमेशा बर्तन ऐसे रहेगा गाइस। तो आपको वीडियो समझ आ गई होगी जो कि मैंने आपको बात बताई है गाइस। वैसे तो कुछ नहीं है मगर हम जितना सेव करके चलेंगे उतने हमारे पैसे भी बचेंगे गाइस। ये कम से कम 25-30 रुपए का लाया था मैं गाइस, मगर 25-30 रुपए भी बचाने चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम पे चलाओ गाइस ये बर्तन। और बस हमें सर्दी गर्मी गर्मी में चलाना पड़ता है ये बर्तन, और सर्दी आते ही हमें प्लास्टिक का बर्तन ले लेना चाहिए गाइस क्योंकि ये ठंडा पानी रखता है, और सर्दियों में हमें ठंडा पानी नहीं चाहिए होता, बर्ड्स को गर्म पानी चाहिए, और प्लास्टिक का बर्तन होता है वो जो उसमें ठंडापन होता है उसको एब्जॉर्ब करके नॉर्मल कर देता है वाटर को सर्दी में गाइस, इसलिए हमें चेंज कर देना चाहिए। बस इसको गर्मी गर्मी में यूज़ करना चाहिए इस बर्तन को, और यूज़ करना है तो
डेली धो के इसको धूप में सुखाइए ताकि ऐसी खाई काई भी ना जमे, और ऐसी काई जमेगी तो बर्ड्स का जो पानी है इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें इनके पेट में गाइस। और धूप सुखाने पे ये मिट्टी है ये भी ख़राब नहीं होएगी, मजबूती में नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे मैं वीडियो आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा गाइस, आप पूरी वीडियो देखा करें मेरी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो मिलते हैं गाइस। जय हिंद, जय भारत।